इसका नाम क्या है मशीन का? ये स्प्लाइसर मशीन बोलते हैं। स्प्लाइसर मशीन को 300 Mbps स्पीड मिलेगा। तो सोचिए गाइस, अगर 999 रिचार्ज करते हो तो 4000 GB फ्री में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या 100 के नीचे भी प्लान मिल जाता है, 250, 300, 500 ऐसा भी प्लान है। और गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कितना स्पीड है इसका। लाइव यहाँ पे दिखा रहा है डाउनलोड 84 Mbps और अपलोड 52.56 और ये चेक कर गाइस 92.18। Hey guys, welcome back to my another blog। और ये ब्लॉग शुरू हो रहा है शोरूम से और फिलहाल मैं शोरूम पे हूँ और यहाँ पे कुछ इंटरनेट का जो ब्रॉडबैंड है और उसका कनेक्शन लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था मुझे। आप लोगों को पता है हमारे एरिया में काफी ज्यादा नेट का दिक्कत होता है, एयरटेल हो या फिर हो जियो, दोनों ही यहाँ पे काफी ज्यादा घटिया सर्विस देता है। तो मैंने सोचा कि BSNL का जो ब्रॉडबैंड है वो काफी स्पीड तरीके से मेरे घर में चल रहा, तो उसी को मैंने यहाँ पे लगाने के बारे में सोचा है। और आज यहाँ पे ये चेकआउट कर गाइस जो शाकिब भाई है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइस इंटरनेट के इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं ये जो ब्रॉडबैंड है BSNL का ब्रॉडबैंड है इसका कनेक्शन यहाँ पे लगा रहा हूँ और ये करेंगे शाकिब भाई। और यहाँ पे सेटअप वगैरह सब कुछ ये लेके आए हैं। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये हुजाई है, आसाम से मैं बिलोंग करता हूँ हुजाई से। तो हुजाई में काफी ज्यादा नेट का दिक्कत रहता है, तो अगर आप लोग भी लगाना चाहते हो तो शाकिर भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। इनका जो नंबर है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनका ऑफिस भी है डबका में, हुजाई डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लगेगा आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होगा तो उसके जरिए आप ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले सकते हो। इंटरनेट का काम करते हो, इंटरनेट स्लो है आपका तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शाकिर भाई है। ये जो कनेक्शन है मेरे दुकान के सामने से गुजरा था तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे डिस्काउंट में मिल रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो कनेक्शन है मेरे सामने ही लग रहा है। तो कितना इसका कॉस्ट पड़ेगा, फी कितना पड़ेगा? 6000 रुपया अगर रास्ता में सामने में है तो। अच्छा, और कई दूर कोई लगाना चाहते हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दूर तो कैसे आप सर्विस दे पाओगे? अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर होगा वहाँ में थोड़ा ज़्यादा आदमी अगर होगा। अच्छा, तो इसके लिए क्या होगा, मतलब ज़्यादा आदमी होने से एग्जस्ट कम करके थोड़ा कम कर सकता हूँ। नजदीक कोई केबल नहीं है BSNL का तो आप लोग भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरत होगा 4-5 बंदे एक साथ हो जाओ और इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा इनकी तरफ से। और ये काफी ज्यादा कम फी में करते हैं, 10,000 के अंदर हो जाएगा, 10 कनेक्शन 12 कनेक्शन हो जाता है आपका एरिया में या फिर 5-6 कनेक्शन हो जाता है तो शाकिर भाई प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पे नीचे मैं नंबर दे दूंगा, वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हो इनके साथ या फिर हो जाए डिस्ट्रिक्ट कहीं पर भी हो सकता है आपका कनेक्शन 6000-5000 में हो जाए। और मेरा यहाँ पे जो फी पड़ा है वो 5000 जैसा ही, 5000-6000 में, क्योंकि सामने यहाँ पे मैंने दिखाया आप लोगों का केबल है। तो बाकी काफी सारा चीज यहाँ पे लेके आया है भाई, तो फिलहाल लगाएंगे। और इंटरनेट लगाने के लिए काफी ज्यादा चीजों की जरूरत है जिसके लिए 6000-7000 पड़ता है। इसके लिए ये एक मोरम है, इसका जरूरत पड़ता है और काफी सारा चीज है, केबल वगैरह यहाँ पे लाना पड़ता है। और इनका तो डेफिनेटली ये लगा रहे तो इनका तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे 7000-8000 क्यों देते हो, इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं एक चीज है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो मशीन है इसका प्राइस कितना है, इस मशीन का जिससे आप सभी काम करते हो? ये 4500। इसका नाम क्या है मशीन का? ये स्प्लाइसर मशीन बोलते हैं। स्प्लाइसर मशीन, तो 80S मॉडल का। मतलब सभी यहाँ पे जो कनेक्शन वगैरह रहता है इससे आप सेटअप करते हो? ये सिर्फ कनेक्शन कनेक्शन करता है। तो इसके 4.5-5 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट करके भाई ने लिया है, तो डेफिनेटली इसके लिए तो खर्चा पड़ेगा, ये उठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सभी मतलब इनका ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहता, काफी कम प्रॉफिट में ये बिजनेस करते हैं। और आप लोग देखिए गाइस कि जिस तरीके से सेटअप वगैरह यहाँ पे ऑन कीजिए ना इसको। अच्छा ये अच्छा हमें शो करेगा। अच्छा अच्छा, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 1999 रुपीज अगर प्लान लेते हो तो इसमें स्पीड इतना बढ़िया मिलेगा आपको। वैसे तो 999 में 100 Mbps रहता है, लेकिन जो 1999 रुपीज प्लान है वो यानी 2000 का वो अगर आप पैक डलवाते हो तो उसमें आपको 300 Mbps स्पीड मिलेगा। तो सोचिए गाइस कितना स्पीड तरीके से आप नेट चला पाओगे। महीने में कितना लगेगा? 100 Mbps में होगा 777। गाइस 777 रुपीज में आपको 100 Mbps स्पीड मिलता है। कितना स्पीड से आप डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो चीजें, सोचिए कितना स्पीड तरीके से आपका नेट चलेगा। और ऑफिस वगैरह है तो डेफिनेटली आप लोग
ये तो जरूरत है। तो सर्विस में तो कोई दिक्कत नहीं होता ना यहाँ पे, बढ़िया सर्विस मिल जाता है। कनेक्शन वगैरह कभी अगर केबल वगैरह टूट जाए तो सर्विस विद इन 5-6 घंटे के अंदर, अगर 2-3 घंटे में हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा देर लग गया, एक दिन 10-4 घंटा ऐसे लगता है, ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले केबल टूट गया था मेरा घर में, जो कनेक्शन था तो रात को टूटा था, तो सुबह आके इन लोगों ने मतलब अरेंज कर दिया था, और अच्छा खासा सर्विस भी यहाँ पे मिल जाता है। सभी बाकी जो रहता है केबल वगैरह टूट जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो भी फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाता है, इसके लिए कोई भी यहाँ पे फी देना नहीं पड़ता। इसके अलावा काफ़ी सारा यहाँ पे प्लान्स अवेलेबल है, जैसे कि 999, उसमें आपको और भी स्पीड मिलेगा, और 777 से लेकर ऊपर आप बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होता तो 500 के नीचे भी प्लान मिल जाता है, 250, 300, 500 ऐसा भी प्लान है, आपके हिसाब से आप जितना इंटरनेट यूज़ करते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्लान बनवाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे महीने में 999 रिचार्ज करता हूँ तो कितना यहाँ पे GB मिलेगा मुझे नेट इंटरनेट? 999 अगर मिलेगा 4000 GB मिलेगा। बाप रे, उसका बाद भी आपको 10 MBPS करके मिलते रहेगा। तो अगर 999 रिचार्ज करते हो तो 4000 GB फ्री में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी अनलिमिटेड कह सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप यहाँ पे 4000 कहाँ खर्चा करोगे। इसके बाद भी अगर आपको खत्म हो जाता है तो 10 MBPS चलेगा पूरा महीना, उसके बाद दूसरा महीना जब आएगा तो फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। और यहाँ पे सेटअप का काम चल रहा है, यहाँ पे सेटअप होने के बाद हम चला पाएंगे विद इन 2 आवर्स के अंदर, सभी चीज़ें यहाँ पे हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और केबल यहाँ पे लगाने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे, लेकिन विद इन 2 आवर्स एंड 3 आवर्स में आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कितना स्पीड है इसका, लाइव यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने देखा कि 90 MBPS पे ये फिलहाल चल रहा है, तो इतना ज़्यादा मतलब स्पीड सोच सकते हो कैसा आप इंटरनेट चला पाओगे। फिलहाल यहाँ पे दिखा रहा है डाउनलोड 84 MBPS और अपलोड 52.56, लेकिन ये चेंज होता रहता है, कभी थोड़ा घटता है, लेकिन 90-100 के आसपास रहता है अपलोड, एंड डाउनलोड भी ऐसा ही चलता रहता है। और ये चेक करें गाइस, 92.18, तो 100 तो मिल ही जाएगा, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यही था एक छोटा सा ब्लॉग जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है किस तरीके से मैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन लगा रहा हूँ ब्रॉडबैंड का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिलहाल इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है, 4G 5G कुछ भी हो काम नहीं करता, हमारा काम तो यहाँ पे इंटरनेट में सारा दिन ही रहता है, तो यहाँ पे ज़रूरत है, जिसके कारण मैं यहाँ पे इस इंटरनेट को लगा रहा हूँ। और अगर आप पूजा से बिलोंग करते हो, हमारे एरिया से बिलोंग करते हो, तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से सभी प्रोवाइड करेंगे। तो ये था दोस्तों आज के ब्लॉग में, उम्मीद है आप सबको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव इंडिया, लव असम।